पिछले कल मैंने सैमसंग की अडॉप्शन अपील के लिए एक पोस्ट डाला था जिसपे गुलाब सग्गू जी का ये कमेंट आया कि वो सैमसंग से 3 साल पहले मिल चुके हैं और वो उसकी सबसे पहली फैमिली जिसने उसे अबैंडन किया था उनको जानते हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि सैमसंग का असली नाम प्लूटो है। तो हमने तुरंत ही उनको एक वीडियो कॉल की और आइए जानते हैं कि उन्होंने हमें और क्या क्या बताया। प्लूटो सैमसंग एक्चुअली बच्चों के साथ ऊपर वाले फ्लोर पे ही रहता था, तो ये बच्चे उनके साथ ही खेलते रहते थे, बट जब भी खेलते थे तो चेन लगी होती थी इसको। ही वाजंट मतलब वो घर पे भी ऐसा नहीं था कि घर के अंदर भी बाउंड्री में वॉल के अंदर खेल रहे खुला हुआ, उनके लिए ये बहुत ओके था कि वो लोग चेन में इसको बांध सकते हैं। उसके यहाँ पे हेड पे एक्चुअली था एक बार एंड उसके बैक पे भी था आई थिंक। देन आई कुडंट मीट हिम, लाइक आई मेट हिम ट्वाइस ओनली। और जब इसे अबैंडन किया तो ये बेचारा सड़कों पे घूम रहा था, तभी गौरव वालिया जी ने इसको देखा और तुरंत ही हमें कॉल किया। जब हमारी रेस्क्यू टीम ने पहली बार सैमसन को देखा तो सब जान गए थे कि ये तो एक अबैंडन्ड पेट है। उसकी आंखों में शेरी आई नाम की कंडीशन भी थी जो सैमसन जैसी ब्रीड्स के डॉग्स में कॉमन होती है। उसको खाने के साथ मल्टीविटामिन टॉनिक दिया जाता था जिससे उसकी हेल्थ बेहतर हो सके। उसकी स्टरलाइजेशन करने में भी हमने देर नहीं की ताकि वो जल्द से जल्द अडॉप्ट हो सके। फार्म पे रहते रहते उसकी दोस्ती राइली से हो गई। राइली उन दिनों हमारे साथ वॉलंटियर कर रही थी। वो दिन भर एक दूसरे के साथ खेलते रहते थे और सैमसन उनकी कंपनी बहुत इंजॉय करता था। राइली में एक दोस्त पाने की वजह से सैमसन की पर्सनालिटी भी खुल के बाहर आने लगी। सैमसन और मैं पूरे गांव में वॉक्स पर जाते थे। मैं उसके लिए बहुत सारा समय निकाल के रखती थी क्योंकि वो एक ऐसा डॉग था जिसे इंसानों से ढेर सारा प्यार चाहिए था। वो बस चाहता था कि लोग उसे प्यार करते रहे। दिखने में वो बड़ा और डरावना जरूर है, लेकिन असल में वो बहुत ही प्यार और फ्रेंडली है। वो बहुत ही बुद्धू और इतना सोशल था कि हमें ये सोच के दुख होता था कि आखिर इतने प्यारे डॉग को कोई अबैंडन क्यों करेगा। फिर एक दिन सैमसन को अडॉप्ट करने के लिए फार्म पे पीटर आए। पीटर जो ऑस्ट्रिया से थे लेकिन मैक्लोडगंज में रह रहे थे, उन्होंने सैमसन के अडॉप्शन पोस्ट फेसबुक पे देखे थे और उसे घर ले जाना चाह रहे थे। हम सैमसन के लिए बहुत खुश थे क्योंकि पीटर के साथ सैमसन बहुत खुशी से रहने लगा था। पीटर सैमसन की फैमिली बन गए थे और वो उसकी हर जरूरत का ख्याल रखते थे, उसे बहुत प्यार भी देते थे। लेकिन अब एक साल बाद पीटर सैमसन को वापस हमारे पास छोड़ के जा रहे थे। पीटर ऐसा करने के लिए मजबूर थे क्योंकि उन्हें फैमिली इमरजेंसी की वजह से साउथ अफ्रीका जाना पड़ रहा था, लेकिन फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रांग ना होने के कारण वो चाहते हुए भी सैमसन को नहीं ले जा सकते थे। लेकिन पीटर सैमसन को सच में प्यार करते थे, तभी तो सड़कों पे अबैंडन करने की जगह उन्होंने उसे हमारे पास छोड़ दिया जहाँ सैमसन सेफ रहेगा। सैमसन लगभग 9 साल का है, पर ये बहुत ही सैड बात है कि कैसे इसने हमेशा प्यार पाने के लिए, परिवार पाने के लिए स्ट्रगल किया है। अब ये खुश है हमारे साथ, फार्म में घूमता है, हमारे साथ घुल मिल गया है, प्यार भी बहुत करता है, लेकिन फिर भी इसे देखकर हमें ऐसा लगता है जैसे ये एक ही सवाल हमसे बार बार पूछ रहा हो कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब ऐसा सैमसन को लगता है, जाहिर सी बात है ऐसा है थोड़ा, क्योंकि बहुतों के साथ ऐसा होता है। अब आप शर्मीली को ही लीजिए, बचपन में किसी ने उसको उसकी माँ से अलग कर दिया, पर शर्मीली को तो यही लगता है ना कि मेरी माँ ने मुझे अबैंडन कर दिया। फिर वो यहाँ आई, वो अडॉप्ट हुई, बदकिस्मती से उसको वापस आना पड़ा, तो उसको लगता है कि भाई मुझे सेकंड टाइम भी अबैंडन कर दिया। पर वो कई लोगों का ना मेंटल मेकअप बढ़िया होता है, वो थोड़ी जिंदा दिला, उसे लगता है तो इसमें क्या हुआ, मुझे तीसरा मौका फिर मिलेगा। तो जब उसकी सैमसन से बात हुई, उसने सैमसन को बताया कि हाँ इसमें क्या, तेरे साथ थोड़ा सिर्फ ऐसा हुआ है, मैं भी अबैंडन हुई हूँ। तो सैमसन को लगा हाँ भाई मैं अकेला बदकिस्मत नहीं हूँ। तो अगर हम चाहते हैं ना कि समाज में भी हम एक दूसरे को अपने अनुभव बता के सांत्वना दे पाएँ, तो हमें कुछ चीज़ें बदलनी होंगी, और ये एक आध दो इन्फ्लुएंसर्स या मोटिवेशनल स्पीकर अपने निजी अनुभव शेयर करके नहीं बदल सकते। हमारे को सबको सेफ महसूस करना चाहिए कि हम अपने अनुभव शेयर कर पाएँ, और ये तब होगा जब हम इस बारे में अपनी भाषा को बदलेंगे। लोग कहेंगे भाई फलाने की लड़की भाग गई या फलाने का घर वाला उसको छोड़ गया। अब इस भाषा में काइंडनेस नहीं है, इसमें सिंपथी नहीं है, इसमें जजमेंट ज़्यादा है, और इसके चलते हर कोई अपना अनुभव सिर्फ अपने तक रखता है, और फिर हम में से हर किसी को लगता है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है।